ज़्यादातर पेशेंट्स को ये बात फाइब्रेट्स के बारे में पता ही नहीं होता है और वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे किसी वजह से भी वो डायग्नोज़ हो जाता है या ड्यूरिंग सिज़ेरियन सेक्शन वो डायग्नोज होता है अगर इनका साइज़ बहुत बड़ा होना शुरू हो जाए या ये इतने ग्रो कर जाते हैं कि ये पेट पर पे विजिबल होना शुरू हो जाते हैं नज़र आना शुरू हो जाता है स्पेशली अगर कोई आ, थे ना खा, खातून है कोई पतली खातून है तो इनमें बहुत जल्दी ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जैसे कि हैवी पीरियड्स का आना अमूमन ये पेन कॉज नहीं करते हैं समटाइम्स लेकिन पेन भी कॉज कर सकते हैं पीरियड हैवी हो जाते हैं पेनफुल हो जाते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रोइ्स के बारे में फाइब्रोड्स क्या होते हैं फाइब्रोड बच्चेदानी की रसौली का ही नाम है अच्छा ये रसौली जो है वो फाइब्रोड वो यूट्रस के मसल से निकलती है यानी जो बच्चेदानी के मसल से मायोमास बनते हैं या फाइब्रोइ्स बनते हैं अहम बात इसमें ये है कि लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा चुके परेशान हो रहे होते हैं अहम बात इसमें ये है कि एक तो ये बात है कि ये बहुत कॉमन है ये हर कह लें कि पाँचवीं औरत या चौथी औरत के अंदर किसी न किसी फॉर्म में फाइब्रॉइड मौजूद होता है वो छोटे साइज़ का भी हो सकता है और उसका साइज़ बड़ा भी हो सकता है ज़्यादातर पेशेंट्स को ये बात फाइब्रेड्स के बारे में पता ही नहीं होता है और वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे किसी वजह से भी वो डायग्नोज हो जाता है या ड्यूरिंग सिज़ेरियन सेक्शन वो डायग्नोज होता है अच्छा कि थोड़े फाइब्रट्स भी मौजूद है सो so, फाइबरेट हमेशा परेशानी का बायस नहीं होता लेकिन दूसरी सूरत हाल में ये आपको मुश्किल में भी डाल सकता है इसमें अहम बात याद रखने वाली ये है कि इसमें कैंसर का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है यंग एज में तो ऑलमोस्ट है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या कह लें कि मीनो के बाद लेस देन वन परसेंट चांस है कि अगर कोई फाइब्रड पड़ा हुआ है तो वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा सो ये कैंसर तो में कभी भी नहीं बदलता ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करते हैं यानी अगर ये इतनी कॉमन डिजीज़ है कि हर तो चौथी पाँचवीं औरत के अंदर आपको फाइब्रड मिल रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं ये प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि अगर इनका साइज़ बहुत बड़ा होना शुरू हो जाए तो या बाज़ दफ़ा ये इतने ग्रो कर जाते हैं कि ये पेट पे विजिबल होना शुरू हो जाते हैं ये नज़र आना शुरू हो जाता है स्पेशली अगर कोई थे ना खा, ख़ातून है कोई पतली खातून है तो इनमें बहुत जल्दी ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त भी समटाइम्स ये इसके अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही होती हैं दूसरी प्रॉब्लम ये क्या क्रिएट कर सकते हैं कभी कभी इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता लेकिन ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं हैं जैसे कि हेवी पीरियड्स का आना अमूमन ये पेन कॉज नहीं करते हैं समटाइम्स लेकिन पेन भी कॉज कर सकते हैं पीरियड हो जाते हैं पेनफुल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये अपने रेगुलर साइकिल में रहती हैं टाइम के टाइम पीरियड आते हैं पर बहुत ज्यादा पीरियड ब्लीडिंग हो रही होती है अगर ये फाइब्रड पॉलिप की शेप ले ले तो फिर उनमें दूसरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जैसे कि पीरियड के, के दरमियान में ब्लीडिंग का होना हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग का होना फिर ये प्रॉब्लम भी उनमें आना शुरू हो जाती है सो so, ये फाइब्रेट मुख्तलिफ तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं ये फाइब्रेट हो सकता है एक फाइब्रेट हो हो सकता है ये बहुत सारे फाइब्रेड्स so हो मल्टीपल हों इसमें भी फिर ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़र कर रहा होता है ठीक है अब इसका जो लोकेशन है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है इसकी लोकेशन के ऊपर यानी यूट्रस में ये किधर करके है इस पर हम इसको क्लासिफाई भी करते हैं कि अच्छा ये तीन तरह के फाइब्रेड हैं एक फाइब्रेड तो वो होता है जो बिल्कुल बच्चेदानी के बाहर मौजूद होता है ये फाइब्रेट सबसे कम खतरनाक होता है ये फाइब्रेट अमूमन ग्रो कर जाता है ये शायद नज़र आना शुरू हो जाए आपको लेकिन ये अमूमन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता इसके साथ प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं बाकी काम भी शुरू रहते हैं ठीक रहते हैं पीरियड्स भी हैवी नहीं हो रहे होते और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते फिर एक फाइब्रेड वो होते हैं जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर होते हैं ये सबसे कॉमन फाइब्रड्स होते हैं ठीक है ये एक से ज़्यादा होते हैं अमूमन चांसेस पे ये आपकी ट्यूब्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं ये यूट्रस के साइज़ को बड़ा करने के साथ साथ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं ये पेन भी क्रिएट कर सकते हैं तो ये वो प्राफाइब्रड्स होते हैं जिनको जो अमूमा जल्दी प्रेजेंट कर जाते हैं पीरियड्स के केशों के साथ फिर तीसरा फाइब्रेड वो होता है जो कि बिल्कुल यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है अंदर वाली लाइनिंग होती है बिल्कुल वहाँ करके मौजूद होता है इस कहते हैं समिकोसल फाइब्रड ये फाइबर अक्सर डायग्नोज छोटी साइज़ पर ही डायग्नोज हो जाता है क्योंकि ये हवी ब्लीडिंग के साथ या इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ जल्दी प्रजेंट कर जाते हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट ये है कि इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जो 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 ख़ातून आपके पास प्रेजेंट कर रही है अगर वो ब्लीडिंग के साथ आई है तो सबसे पहले तो ये देखे कि क्या इस वाइब्रेट का करके पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप करना शुरू कर गया है और उस उस लिहाज से भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है चूँकि बज दफ़ा पेशेंट बहुत कम एच के साथ प्रजेंट करते हैं जैसे कि फाइव हीमोग्लोबिन है सेवन है या एट है इस तरह से प्रजेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसको करेक्ट करके एक उसकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ को भी प्रूव करना होता है और आपको ये पता चल जाता है कि इस फाइब्रेड को तो ट्रीट करना ही करना है चूँकि ये उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है फाइब्रेड की ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बहुत ही एक अहम मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि फाइब्राइड की सर्जरी हर एक के बस की बात नहीं है अगर आपने ये प्लान कर लिया है कि आपने ये यूट्रस निकलवाना है फिर तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं सर्जन्स भी हैं जो कि यूट्रस निकालने की सर्जरीज करते हैं और वो ये निकाल देते हैं लेकिन अगर आपने ये प्लान किया है कि हमें सिर्फ फाइब्रइ्स निकलवाने हैं हमें आगे पे फ्यूचर में बेबी करना है हमें इस यूट्रस को बचाना है तो इस सूरत हाल में ये बहुत जरूरी है कि आप एक ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसे पता हो कि हमने यूट्रस को कैसे सेव करना है ना सिर्फ यूट्रस को सेव करना है उसकी ट्यूब्स को सेव करना है और यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग को भी सेव करना है क्योंकि कल को प्रेगनेंसीज वहीं पर होती है हमें मैक्सिमम फाइब्रस निकाल होते हैं ताकि ये जल्दी दोबारा ना हो कि कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं जिसमें डॉक्टर सर्जरी के बाद आपको बता देता है कि यूट्रस किस हद तक डैमेज हुआ है या यूटरस का बाकी टेक्सचर कैसा है ये बहुत अहम है सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब फाइब्रेट के लिए अपना डॉक्टर को चूज़ करें तो ये देख कर करें कि वो आपके यूट्रस को बचा सके ताकि आप फ्यूचर प्रेगनेंसीज जो है वो कर सकें कुछ फाइब्रेट अपने साइज की वजह से जो प्रेजेंट कर रहे हो तो उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कुछ फाइब्रेड्स होते हैं कि फाइब्रेड तो मौजूद हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है अमूमन फाइब्रेड प्रेगनेंसी को रोकते नहीं है उसके साथ प्रेगनेंसी हो भी जाती है लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और फाइब्रेड मौजूद है तो हाँ फिर फाइब्रेड का ट्रीटमेंट भी रिकमेंड कर दिया जाता है याद रखने वाली बात यह है कि अगर ये एसमटोमेटिक है आपको कोई सिम्टम्स नहीं क्रिएट हो रही आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे या आपको ये वैसे ही आप प्रेगनेंसी का इनिशियली आपने ट्रीटमेंट करने का सोचा और अल्ट्रासाउंड पे आपको छोटे छोटे तीन चार सेंटीमीटर के दो तीन फाइब्रेड नजर आ गए तो प्लीज फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मत भागिए आपको इसके किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं चूँकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कैंसर में तब्दील नहीं होता सो सिर्फ वही फाइब्रेड जो आपको तंग कर रहे होते हैं जो प्रेगनेंसी ना होने दें जिनका साइज बहुत बड़ा हो जाए जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सिर्फ वही फाइब्रेड्स ऐसे फाइब्रेड्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है दूसरी बात इसमें याद रखने वाली ये भी है कि ये फाइब्रेड दोबारा हो जाते हैं इनका रिकरेंस बहुत हाई है 40 टू 50 परसेंट इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसको बहुत यंग तो कर तो सर्विलेंस करनी होती है अगर आप फोर्टी या है उसके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर के साथ आप प्रजेंट करते हैं तो डॉक्टर आपको यूट्रस निकलवाने का मशवरा भी दे सकते हैं क्योंकि आप एक सेकेंड सर्जरी से बच जाए क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि फाइब्रेड जो है वो दोबारा भी हो सकते हैं अगर आपको फाइब्रेड के बारे में मजदूर जानना है या अपना पेशेंट दिखाना है तो दिए हुए नंबर के थ्रू आप हमसे राबता कर सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा